चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए AIIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त किठौर में छाजारसी टोल के पास दो लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। मेरठ में ओवैसी के काफिले पर चली गोलियां, गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग। दिल्ली गृह मंत्रालय ने ओवैसी को तत्काल प्रभाव जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। CRPF मेरठ जिले में गुरुवार को सांसद AIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग कर जान लेवा हमला करने की तहमीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपकी लड़ाई लड़ने वाले जिनका सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे आपके सामने वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अब बैठ जाएं प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, में एक तब्दीली पैदा हो जाए, आप में एक सोच पैदा हो जाए, आप में एक फिक्र पैदा हो जाए, क्योंकि आपने बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया, क्या मिला आपको? आपको हमेशा डराते रहे। 34 साल पहले, 60 साल पहले यही कहा गया, फिरका परस्ती को शिकस्त दो, हमने फिरका परस्ती को शिकस्त दी। कभी कहा गया जनसंघ को हराओ, हमने जनसंघ को हराया। फिर कहा कि आपने कांग्रेस से नाराज हुए तो BSP का साथ दिया। अच्छा भैया भैया, छोटा भाई अशरफ बरेली जेल में है और आप जानते हैं कि बड़े बेटे उमर पर फर्जी मुकदमा लगाकर इनाम रखा गया है। इसी मजबूरी में मैंने अपनी बीवी जो कि एक घरेलू औरत है उससे कहा कि आप ही मेरा पैगाम पढ़ो। मुझे फख्र है कि मेरी तकरीर आपके नामवर शहर में मेरठ में पढ़ी जा रही है। मेरठ यानी आलिमों, जाबाजों, बहादुरों और मतवालों का शहर है। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के जंग 1857 में जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने की तारीखी कोशिश की थी और उस वक्त इस शहर के हिंदू और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। नौजवानों, आपके बुजुर्गों ने मेरठ शहर को खून और पसीने से सींचा।